हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और इस एक्सप्रेसवे का अभी कितना काम हो गया उसकी भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को करना सब्सक्राइब और ऐसे प्रोजेक्ट्स की अपडेट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनवाया जा रहा है और इसकी जो टोटल लेंथ होने वाली है वो होगी 210 किलोमीटर और ये एक्सेस कंट्रोल्ड होगा। ये एक्सप्रेसवे भारत का पहला इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा। इसके बनने के बाद इसके आसपास बहुत सारे उद्योग लगेंगे जिससे इकोनॉमी बूस्ट होगी और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा होगा जैसा मैंने अभी आपको बताया, और ये एक्सप्रेसवे ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का मिश्रण होगा। और ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे वह एक्सप्रेसवे होता है जिसमें पुरानी रोड को ही अपग्रेड करके एक्सप्रेसवे में बदला जाता है, और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे वह एक्सप्रेसवे होता है जिसमें जमीन को एक्वायर करके पूरी तरीके से नया बनाया जाता है। और इस एक्सप्रेसवे को 4 फेस में बनाया जा रहा है। फर्स्ट फेस में यह एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से स्टार्ट होगा अक्षरधाम के पास से और जाएगा ईस्टर्न पेरिफेरल तक। इसकी जो टोटल लेंथ होने वाली है फर्स्ट फेस की वो होगी 32 किलोमीटर और इसमें 18 किलोमीटर यह एक्सप्रेसवे एलिवेटेड होगा। और एक्सप्रेसवे का ये जो भाग है ये 12 लेन का होगा जिसमें 6 लेन का होगा एक्सप्रेसवे और 6 लेन ही बनाई जाएंगी लोकल ट्रैफिक के लिए जिसपे लोकल ट्रैफिक चल सके। और फर्स्ट फेज को 2 भागों में डिवाइड किया गया, मतलब पैकेज में। तो फर्स्ट फेज का जो फर्स्ट पैकेज है वो अक्षरधाम से स्टार्ट होगा और वो जाएगा दिल्ली यूपी की बॉर्डर जो है वहां तक, और इसका जो डिस्टेंस होने वाला है ये होगा अप्रोक्स 14.5 किलोमीटर का। और इसमें गीता कॉलोनी से लेके खजूरी खास तक का ये जो हिस्सा है 6.4 किलोमीटर का ये होगा एलिवेटेड। और इस हिस्से को बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला है गवर कंस्ट्रक्शन को, और अभी फर्स्ट फेज का जो फर्स्ट पैकेज है इस पे कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। धन्यवाद, दिल्ली में पुनः पधारे, थैंक्स, विजिट अगेन। ओके, मैंने अब दिल्ली से मैं बाहर आ चुका हूँ, सामने आपको बोर्ड दिख जाएगा, अभी ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। तो अब यहाँ पे बॉर्डर थी तो जो फर्स्ट पैकेज था वो यहीं तक था, अब यहाँ से जो सेकेंड पैकेज है वो स्टार्ट होगा। तो सेकेंड पैकेज की स्टार्टिंग होती है दिल्ली यूपी बॉर्डर से और अब ये पैकेज जाएगा ईस्टर्न पेरिफेरल तक, और इसका जो टोटल डिस्टेंस होने वाला है वो होगा अप्रॉक्स 17 किलोमीटर का, और इस 17 किलोमीटर में अप्रॉक्स 11 किलोमीटर करीब ये एक्सप्रेसवे होगा एलिवेटेड। और इस पैकेज को बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला गायत्री प्रोजेक्शन को। अब मैं दिखाता हूँ इस पैकेज पे, मतलब ये वाला जो हिस्सा है 17 किलोमीटर का इस पे कितना काम स्टार्ट हो गया, कहाँ पे कितना काम कंप्लीट हो गया है। और अब मैं लोनी वाली जो रोड है मैं उस पर कनेक्ट हो गया, मतलब उस पर आ गया हूँ, लोनी गोल चक्कर से जो जाती है। अब इस पर चलते हैं आगे, दिखाता हूँ मैं आपको कितना काम हुआ है इस एक्सप्रेसवे का, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। अभी इस एक्सप्रेसवे का जहाँ पे काम चल रहा है वो एरिया मेरे को दिखाई दे गया, मेरे को एक मशीन दिखाई देगी अभी आगे की तरफ है वो मशीन, तो वो एरिया मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है मंडोला विहार योजना गाजियाबाद, इस तरफ है ये पूरा एरिया। तो जब ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो ये जो एक्सप्रेसवे है मंडोला विहार परियोजना और ट्रोनिका सिटी के लिए एक बूस्टर का काम करेगा, मतलब ये एक्सप्रेसवे इन दोनों जगह के लिए लाइफलाइन होने वाला है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ उस जगह पे, मतलब जहाँ पे काम स्टार्ट हो गया इस एक्सप्रेसवे का। ओके, अब आपको राइट हैंड साइड पे ये आपको दिख जाएगा काम, यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है मंडोला परियोजना वाला जो मतलब एरिया है उससे थोड़ा सा आगे जाके अब ये काम स्टार्ट हो गया है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो वापस से रोड स्टार्ट हो गई है, मतलब नॉर्मल है, यहाँ पे कोई काम स्टार्ट मतलब चालू नहीं है। वो मुश्किल से 50-60 मीटर का एरिया था जहाँ पे काम स्टार्ट था, मतलब गायत्री प्रोजेक्शन का वो क्या कहते हैं बोर्ड लग रहे थे वहाँ पे। अभी वापस से देखते हैं कितनी देर के बाद काम स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे रोड एक्सपेंशन का काम हो रहा है साइड में, वो भी आपको दिखाई देगा आगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, ये आप यहाँ पे देख सकते हो रोड एक्सपेंशन का काम हो रहा है यहाँ पे। और ये वापस से यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है, 17 किलोमीटर का ये हिस्सा है दिल्ली यूपी की बॉर्डर से लेके ईस्टर्न पेरिफेरल तक का, और इसमें अभी मेरे को मुश्किल से 400-500 मीटर का ही काम दिखाई दे रहा है जो स्टार्ट हुआ है ईस्टर्न पेरिफेरल के दिल्ली की तरफ, मतलब ईस्टर्न पेरिफेरल से दिल्ली की तरफ।
और मेरे को आगे की तरफ शायद ईस्टर्न पेरिफेरल भी नज़र आ रहा है, एक फ्लाईओवर नज़र आ रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ कि ईस्टर्न पेरिफेरल है। तो अभी सिर्फ मुश्किल से 400-500 मीटर का ही काम स्टार्ट हुआ है दिल्ली की तरफ, देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे ये एलिवेटेड होने वाला है क्योंकि आगे ईस्टर्न पेरिफेरल है, तो इसको क्रॉस करके जाएगा ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे मशीन है। तो अभी पिलर्स की जो है फाउंडेशन बनाई जा रही है यहाँ पे, ये जो आपको सामने मशीन दिखाई दे रही है, तो इससे पिलर की अभी फाउंडेशन बनाई जा रही है। तो अभी जो काम है वो जस्ट स्टार्टिंग वाली ही स्टेज में, एकदम फर्स्ट स्टेप पे है। और ये आ गया ईस्टर्न पेरिफेरल। चलो इसके 5-6 किलोमीटर उधर तक चलते हैं, बागपत वाली साइड में, देखते हैं उधर काम स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ तक फर्स्ट जो पैकेज मतलब फर्स्ट फेज ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट होगा जो पूरा ग्रीन फील्ड होने वाला है। सेकेंड फेज में ये एक्सप्रेसवे पूरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है। ये स्टार्ट होगा ईस्टर्न पेरिफेरल से और जाएगा सहारनपुर तक का, और इसका डिस्टेंस होगा 118 किलोमीटर का। और 118 किलोमीटर में ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिसमें आपको 7 इंटरचेंज मिलेंगे और 60 अंडरपास मिलेंगे। और जो 7 इंटरचेंज होने वाले हैं एंट्री एंड एग्जिट के लिए, वो होंगे हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ एंड बड़ौद के लिए होंगे वो 7 इंटरचेंज। तीसरा फेज जो होने वाला है इस एक्सप्रेसवे का, वो होगा सहारनपुर से गणेशपुर तक, जिसकी टोटल लेंथ होगी 40 किलोमीटर और ये एक ब्राउन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा। और चौथा फेज भी इस एक्सप्रेसवे का ब्राउन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो स्टार्ट होगा गणेशपुर से और जाएगा देहरादून तक। और इस फेज की जो टोटल लेंथ होने वाली है वो होगी अप्रॉक्स 20 किलोमीटर। फेज 4 का अधिकतम हिस्सा वन्य भूमि से गुजरता है, जो दुर्घटना के हिसाब से भी काफी संवेदनशील है। फेज 4 में प्रस्तावित ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, और 20 किलोमीटर में से 6 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे होगा वो जो मौजूदा अभी जो रोड है देहरादून की, उसी को अपग्रेड करके एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट किया जाएगा, और बाकी के 14 किलोमीटर को एलिवेटेड और टनल के रूप में बनाया जाएगा। और इसी 14 किलोमीटर में 12 किलोमीटर का 6 लेन का एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनेगा, जिसके नीचे से वन्य जीव बे रोक टोक इधर से उधर जा सके। मौजूदा हाईवे डार्ट की देवी टनल से होकर गुजरता है, इसके साइड में एक टनल और बनाई जाएगी ताकि आने जाने वाला जो ट्रैफिक है वो प्रभावित ना हो। और ये 210 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जिसमें से 206 किलोमीटर जो है वो यूपी के अंदर होगा और सिर्फ 4 किलोमीटर उत्तराखंड के अंदर होगा। और इस एक्सप्रेसवे को बनाने की जो टोटल कॉस्ट होने वाली है वो होगी लगभग 13,000 करोड़ रुपए। और इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद में दिल्ली देहरादून का जो डिस्टेंस है वो 235 किलोमीटर से घट के 210 किलोमीटर हो जाएगा, और जहां पहले इस डिस्टेंस को कवर करने में 6-7 घंटे लगते थे, वही फिर लगेंगे 2.5 से 3 घंटे। और ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के हिसाब से बनाया जाएगा, लेकिन जो स्पीड लिमिट होगी वो सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर की होगी। और ये एक्सप्रेसवे क्लोज डोर एक्सप्रेसवे होगा, मतलब एक बार आप एक्सप्रेसवे पे एंट्री करोगे तो आपको टोल मिलेगा, और उसके बाद जहां पे आप एग्जिट करोगे आपको सिर्फ वहां पे ही टोल मिलेगा, उसके बीच में आपको कोई टोल नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से लखनऊ जाओगे तो आपको मतलब आगरा जाओगे पहले तो आपको 3 टोल क्रॉस करने पड़ते हैं, और अगर आप आगरा से लखनऊ जाओगे तो सिर्फ आपको 2 टोल मिलते हैं, एक बार एंट्री पे और एक बार एग्जिट पे। तो ये वाला जो एक्सप्रेस वे है ये सिर्फ ऐसा ही होने वाला है कि आपको एक टोल मिलेगा आपको एंट्री पे और एक बिल्कुल एंड पे जहां पे आप एग्जिट करोगे, बीच में आपको कोई भी टोल नहीं मिलेगा। और इस एक्सप्रेस वे पे सहारनपुर से 10-12 किलोमीटर पहले एक स्पर रोड भी जोड़ी जाएगी, जो कनेक्ट होगी हरिद्वार बाईपास से, जिससे रुड़की और हरिद्वार भी इस एक्सप्रेस वे से कनेक्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ यूपी और हरियाणा को कनेक्ट करने के लिए भी अंबाला और शामली के बीच 110 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो स्पर के रूप में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर उत्तराखंड के अंदर हर 500 मीटर पे 400 से अधिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे उत्तराखंड को ड्रिंकिंग वाटर मिलने में आसानी हो। फोर्थ फेज का, क्योंकि बहुत सारा हिस्सा वन्य भूमि से होकर गुजरता है और एक्सप्रेसवे को बनाने में बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं तथा वहां पे जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी दिक्कत आती, इसके विरोध में बहुत सारे लोग एनजीटी चले गए और एनजीटी ने इस एक्सप्रेसवे को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, मतलब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दी।
लेकिन बाकी के जो तीन हिस्से थे चार में से उनकी परमिशन मिल गई थी। तो 26 फरवरी 2021 को नितिन गडकरी जी ने इसका शिलान्यास कर दिया ताकि बाकी के जो तीन हिस्से हैं उन पे काम स्टार्ट हो सके। राइट नाउ जो अभी काम स्टार्ट हुआ है वो हुआ है फर्स्ट फेज का सेकंड पैकेज का, जो ईस्टर्न पेरिफेरल के पास है, मतलब दिल्ली यूपी की बॉर्डर से ईस्टर्न पेरिफेरल तक है, उसका ही काम स्टार्ट हुआ। और वहां पे कितना काम हुआ है वो मैंने आज आपको अपडेट दे दी है। और जो सेकंड फेज है ईस्टर्न पेरिफेरल से सहारनपुर का जो ग्रीनफील्ड होने वाला है उसके लिए भी अभी भूमि अधिग्रहण का जो काम है वो अंतिम चरण में है। और फोर्थ फेज का जो हिस्सा था जिसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल रही थी उसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NGT के पास एक ऐसा प्रस्ताव लेके गई जिसमें एनवायरमेंट को कम से कम लॉस हो और वहाँ पे जो वन्य जीव रहते हैं वो बेरोक टोक इधर से उधर घूम सके। उसी के अंदर था एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। तो इस प्रस्ताव के बाद NGT ने इसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दी और 12 लोगों की एक कमेटी बनाने को बोला है जो निगरानी करेगी कि कोई भी एनवायरमेंट को लॉस ना हो, मतलब कम से कम लॉस हो, और 1 करोड़ रुपए का फंड बनाने को भी बोला है। और उस 1 करोड़ रुपए के फंड को पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए यूज किया जाएगा। एक्सप्रेसवे के लिए जितने पेड़ काटे जाएंगे यूपी और उत्तराखंड की गवर्नमेंट एक्सप्रेसवे के साइड में 10 हेक्टेयर की जमीन पे उतने पेड़ लगाएगी और उनकी देखभाल भी करेगी। फोर्थ फेज की इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलने के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर दिया है 4 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड के अंदर। अब इस एक्सप्रेसवे का जो काम है वो स्पीड पकड़ेगा क्योंकि जो इसकी जो डेडलाइन है वो है 2024। तो बस इस वीडियो करते यहीं पे ख़त्म। ये मेरी पहली वीडियो थी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ऊपर। मैं टाइम टू टाइम इस एक्सप्रेसवे के ऊपर अपडेट देता रहूँगा कि कितना काम हो गया है। तो बस इस वीडियो करते यहीं पे ख़त्म। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।